तो ये देखिए, आज हमने बनाई है पोटैटो पिनव्हील समोसा रेसिपी। तो आइए, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ये कैसे बनती है और इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड जोन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले पोटैटो पिनव्हील समोसा रेसिपी। तो उसको बनाने के लिए हमने लिए आलू, जिसे हमने बॉईल करके कद्दूकस कर लिया है, और हमने लिए है बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, और हमने लिया है 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून मैगी मसाला, 1 टीस्पून गोलकी पाउडर, 1 टीस्पून सादा नमक और 1 टीस्पून काला नमक। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किए हुए आलू। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज, धनिया पत्ती, हरी मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है, और हमने लिया है 2 कप मैदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, इसे इस तरह से क्रश करके। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इसके बीच में होल बनाएंगे और इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड तेल। अब हम इसे मिक्स करेंगे। धीरे धीरे हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो ये देखिए, ये एक सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम इसका बैटर बना लेंगे। तो अब हमने एक बाउल ले लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। अब हमने मैदा ले लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, हमने मैदा के बैटर को इतना पतला रखा है। हमने मैदा के बैटर को मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, डो को रेस्ट होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है। अब हम इसे खोलेंगे और इसे एक बार इसे इस तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है पूरे डो का। अब हम इसे मैदे में डस्ट करेंगे। अब हम इसे बेलेंगे। हमें इसे बड़ा बेलना है। तो ये देखिए, हमने इसे बेल लिया है, हमने इसे इतना पतला बेला है। अब हम इसमें अपनी स्टफिंग ऐड करेंगे। अब हम इसे इस तरह से फैला लेंगे। तो ये देखिए, हमने पूरे में फैला लिया है अपने स्टफिंग को। अब हम इसे इस तरह से रोल करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे रोल कर लिया है। अब हम इसके साइड्स को हटा देंगे। अब हम इसे इस तरह से काट लेंगे पतले पतले में, स्लाइसेस में। तो ये देखिए, हमने सभी को कट कर लिया है। अब हम इस तरह से इसे उठाएंगे और रख देंगे।
तो ये देखिए हमने सभी को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम गैस ऑन करेंगे और हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। और हम तेल को गर्म होने देंगे। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम रोल को मैदे के बैटर में लगाएंगे और इसे फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अब हम इसी तरह से सभी को रेडी कर लेंगे। अब हम इसे दोनों साइड से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ये एक साइड से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे फ्लिप करेंगे, मतलब पलटेंगे, और इसे दूसरे साइड से भी फ्राई होने देंगे। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये बनकर भी रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पर या फिर किचन टॉवल पे निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी को रेडी कर लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए पोटैटो पिनव्हील समोसा रेसिपी बनकर रेडी है। ये देखिए ये कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।